नमस्कार। आज तारीख 26 नवंबर है। संविधान दिवस के रूप में इस तारीख को हम जानते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं और मनाए भी क्यों न। हजारों साल के समानता न्याय के संघर्ष के बाद, इंसाफ और इंसानियत के संघर्ष के बाद, एक नए रास्ते पर चलने के लिए, एक नया मुकम्मल मुल्क बनाने के लिए जब एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसमें इस देश के मतलब को बताया, भारत क्या है, कैसे आगे चलेगा, कैसे बनेगा, किसका किस पर कैसे शासन होगा, उस किताब को बनाया जिसका नाम है भारत का संविधान। और आज से 75 साल पहले इसी किताब से यह तय हुआ कि नया भारत इस किताब के हिसाब से चलेगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में इसे याद किया जाता है। आज के दिन इस मुल्क ने 75 साल पहले अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। खुद से खुद को समर्पित करके एक स्वयंभू, संप्रभु, स्वतंत्र, समानता व न्याय के मूल्यों पर नया भारत बनाने का करार, वादा इस मुल्क के हर बासिंदे से कि हम जब नया भारत अब बनाएंगे तो सब बराबर होंगे, किसी की हकमारी किसी नाम पर नहीं होगी। एक वादा इस मुल्क के हर बाशिंदे से कि पहले जो गलती हो गई, जो खाई पैदा हो गई, जो बंटवारा हुआ, उसे हम खत्म करेंगे और एक नया भारत बनाएंगे। इसलिए आज के दिन को आप सबको बधाई। ये बड़ा दिन है, उत्सव का दिन है। इसलिए आज देश के सबसे बड़े संस्थान संसद भवन में साझा उत्सव मनाया गया। दोनों सदनों के सभी सदस्यों को एक साथ सेंट्रल हॉल, संसद भवन, वही हॉल, वही इमारत, वही ईंट पत्थर के बने हुए ढांचे के बीच, जिसमें 75 साल पहले इस मुल्क के आईन को, इस मुल्क के दस्तूर को, भारत के संविधान को बनाया और आत्मार्पित किया गया था, आज पूरा देश, उसको चलाने वाले लोग एक बार फिर से वहां इकट्ठा हुए। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, दोनों सदनों के चुने हुए सांसद, मंत्री, सब लोग वहां पर एक साथ, एक इमारत, एक नाम पर इकट्ठा हुए थे जिसका नाम है भारत का संविधान। आज वहां एक विशेष डाक टिकट भी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जारी किया गया। संस्कृत में संविधान की एक प्रति भी जारी की गई। अपने संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उस इमारत के ढांचे को याद किया और कहा कि ये वही जगह है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आज से 75 साल पहले आज की तारीख को ही इस देश ने अपना संविधान अंगीकृत किया था। ये संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि हम इस ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने पूरे कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान सभा का नेतृत्व किया था, अगुवाई की थी, जो एक जीवंत दस्तावेज है, एक प्रगतिशील दस्तावेज है। संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय के अनेक लक्ष्यों को हमने हासिल किया। महामहिम ने आगे बोला कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने का भी पैगाम दिया। देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ दुनिया में ताकतवर देश बने, इसके लिए हम उस संविधान को याद करते हैं। और इस तरह से उस 7 लोगों की प्रारूप समिति, जिसमें
कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव कृष्णमाचारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भागों में 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक ऐसा करारनामा तैयार हुआ, एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जिससे वादा एक आखिरी पायदान पर खड़े भारतीय से किया कि अभी जो नया भारत बनेगा ना, इसमें आपके सपनों का भारत होगा। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, गरीब अमीर की बुनियाद पर, लैंगिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भाषा या संस्कृति के आधार पर, किसी भी आधार पर हजारों साल से जो गैर बराबरी है उसे हम मिटाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जो सबके सपनों का भारत होगा, सबका भारत होगा, सब मिलकर उस भारत को चलाएंगे। मगर आज एक मूल्यांकन का दिन कि आज की तारीख में ये याद किया जाए कि जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो दबाव में दोनों बीजेपी और आरएसएस दोनों आज ये कबूल करते हैं कि वो देश के संविधान को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसे दिल में लगाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो माथा झुकाकर संविधान को नमन करते हैं। ऐसा लगता है कि देश के संविधान की अगर हिफाजत कोई कर सकता है तो अकेले बीजेपी और आरएसएस ही कर सकता है। मगर हकीकत यह है कि जैसे ही यह संविधान बनना शुरू हुआ, इस पर आपत्ति दर्ज करने वालों में पहला नाम आरएसएस का था। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को जैसे ही पूरा होकर आत्मार्पित हुआ, अंगीकृत हुआ, 3 दिन बाद चौथे दिन यानी 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र था बीजेपी, आज की बीजेपी और उस समय आरएसएस मात्र संगठन, उसका मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, उसमें 30 नवंबर 1949 को इसी संविधान के विरोध में बाकायदा एक लेख छपा कि हमारे देश की संस्कृति तो इसमें है ही नहीं, सब विदेशी है, हमारे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ग्रंथ मनुस्मृति से तो इसमें कुछ लिया ही नहीं गया। वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान बनने के 2 दशक पहले ही जला दिया था, सार्वजनिक तौर पर जलाया था। वो इतना आपत्तिजनक ग्रंथ था, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, गरीबों के खिलाफ एक अमानवीय ग्रंथ मनुस्मृति, जिसके लिए आरएसएस कहता है कि उससे तो इस संविधान में कुछ लिया ही नहीं गया। यानी शुरुआत से आरएसएस इस संविधान का विरोधी था। दूसरा तथ्य, 1986, 1993, 2000 के बाद लगातार आरएसएस के लोग प्रकारांतर से इस संविधान के विरोध में कुछ न कुछ बोलते रहे, और 2024 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है। आज इस देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस देश के संविधान पर कि उसी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस संविधान को झुक करके सलाम करना पड़ता है। वही संविधान आज उन्हें याद आता है जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। यह संविधान है जो अपने विरोधियों को भी विरोध करने का मौका देता है। यह संविधान उनके भी काम आ जाता है जो उसमें यकीन ही नहीं रखते। इसलिए आज आरएसएस और बीजेपी क्या इस उत्सव को दिल से मना रही है? क्या आज आरएसएस ने एक बार भी ये कबूल किया कि उन्होंने जो अतीत में किया वो गलत था, इस देश के संविधान का विरोध वो नहीं करते, वो मनुस्मृति को खारिज करते हैं और संविधान को मानते हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस इस बात को साफ तौर पर कहेंगे? क्या उन नेताओं पर कोई कार्रवाई बीजेपी और आरएसएस ने किया जिन्होंने कहा था कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश के संविधान को बदलना है? क्या उन नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई जो अल्टरनेट संविधान लाने की मांग करते? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो अब मरहूम हो गए, वो आर्थिक सलाहकार तक लेख लिखते हैं कि भाई संविधान पुराना हो गया, इसे बदल देना चाहिए। कोई एक बात नहीं है, सिलसिलेवार बीजेपी और आरएसएस संविधान के खिलाफ खड़े।
कभी साफ दिखता है और कभी प्रकारांतर से दिख जाता है कि कभी वो लेटरल एंट्री ले आते हैं, कभी वो एनएफएस करते हैं, कभी वो प्राइवेटाइजेशन करते हैं, कभी वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं, और इसी बात को कोट करते हुए आज बीजेपी और आरएसएस से संविधान दिवस के दिन कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। एक सवाल पूछा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कि क्या उत्सव मना देने से संविधान बच जाएगा? क्या संबल में जो लोग मारे गए, जिनका वोट लूटा जा रहा है, मशीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, उसके साथ जश्न मनाकर संविधान दिवस मनाना क्या जायज है? अखिलेश यादव अपने बयान में पूछते हुए पाए गए कि क्या संबल में जो हो रहा है उसके साथ हम इस सम्मान समारोह में, उत्सव में भाग लें, क्या ये नैतिक होगा, क्या ये जायज होगा, क्या ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय करना होगा? इस देश में संविधान एक मुसलमान को वोट डालने से रोके, एक गरीब को वोट डालने से रोके, ये अपने प्रतिपक्षी पार्टी के मानने वाले लोगों को विरोध करने से रोके, आंदोलन करने पर जेल डाल दे, फर्जी मुकदमे लगा दे, फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दे, फर्जी तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करे, अपने विरोध की आवाज को दबाए, इन सब के साथ क्या लोकतंत्र में संविधान का उत्सव मना देने से संविधान बच जाएगा? और ये किस तरह के बहुत सारे गंभीर सवाल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस कार्यक्रम के बाद उसी संसद भवन के गलियारे से पूछा। उन्होंने पूछा कि संबल में जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या इस संविधान ने उनकी हिफाजत की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा सवाल कि संविधान अगर है तो वोट भी नहीं डाला जाएगा, और अगर चुनाव आयोग को लिखित में सबूतों के साथ हम शिकायत दर्ज करेंगे कि भाई वोट डालने का अधिकार भी अगर महफूज नहीं है तो फिर संविधान कितना महफूज है? क्या निर्णय हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? एक भी चीजों का सबूत नहीं। आज की तारीख में इस देश के जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग बंद हैं जिन्हें जेल के बाहर होना चाहिए, फिर संविधान उनकी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहा है? भ्रष्टाचार के आरोपी लेटरल एंट्री ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तक की चोरी इस देश में पकड़ी गई, संविधान ने क्या किया उनके लिए? खुलेआम जिनकी सरकारें बनाई गई, सरकार गिरा दी गई, विधायक खरीद लिए जाते हैं, सांसद खरीद लिए जाते हैं, पार्टियां तोड़ ली जाती हैं, फिर चुनाव होता है, फिर चुनाव में सब जीत जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठते रह जाते हैं। महाराष्ट्र के एक गांव के लोग तो सड़क पर उतर गए कि हमारी इतनी आबादी है, हमने इतना वोट दिया, वो वोट गया कहां? एक विपक्षी पार्टी का नेता खड़ा होकर कहता है कि मेरे बूथ पर तो मेरे परिवार का जितना वोट था उससे कम मुझे मिला, तो वोट कहां गया? उत्तर प्रदेश के सीसा मऊ कुंदरकी में बंदूक तान दे वोटर के सामने, और महाराष्ट्र में वोट डालने के बाद गायब हो जाए, फिर कैसे मनेगा इस देश में संविधान का उत्सव? ये सवाल इस देश के हर नागरिक को पूछे जाने चाहिए। ये सवाल इस देश के हर नागरिक को पूछना होगा आज के दिन कि वही संविधान को बचाने वाली संस्थाएं, लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं ईडी और सीबीआई हैं। जैसे ही कोई नेता विपक्षी पार्टी में होता है वो उनके घर में रेड मारती हैं, उन्हें गिरफ्तार करती हैं, उनके ऊपर मुकदमे डालती हैं और जेल में डालती हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता सत्ताधारी दल ज्वाइन कर ले भाजपा, वो उनके बाद एक भी कार्रवाई उन पर नहीं होती है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो, धंधा करना है तो चंदा दो वरना लो ईडी और सीबीआई। कहां संविधान उन लोगों की हिफाजत कर पाया? इस देश में आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो भी शिकार हो रहे हैं, उनको देश का संविधान कितना बचा पा रहा है? आज भी इस देश के दलितों के मूंछ रखने और घोड़ी चढ़ने के लिए भी पुलिस का इंतजाम करना पड़े, चंद रोज पहले की ये घटना है।
दो तीन चार थानों की पुलिस लगी तब एक दलित घोड़ी चला। वो करार, वो वादा जो इस मुल्क के संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोगों ने इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को किया था, वो कितना पूरा हुआ? इस देश को चलाने वालों में ओबीसी एससी एसटी 10% भी नहीं है, और जिनकी आबादी इस देश में 10% भी नहीं है वो 90% उन जगहों पर काबिज हैं जो देश चला रहे हैं। वो पूंजीपति हैं, वो मीडिया में हैं, वो न्यायपालिका में हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास इस देश का 90% पैसा है, उनके पास इस देश के 90% जमीन है, नौकरी है, शिक्षा है, और जिनकी आबादी 90% है उनके पास ये सब कुछ 10% भी नहीं। तो ये आजादी का अमृत काल किसका है? आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद, संविधान बनने के 75 साल पूरा होने पर जो भी जश्न मने वो क्या इन सवालों के बिना पूरा हो पाएगा? ये सवाल इस संविधान को कमजोर नहीं बचाएंगे और मजबूत करेंगे, क्योंकि संविधान सवाल पूछने की इजाजत देता है, अधिकार देता है, न्याय का अधिकार, समता का अधिकार, अपनी बात को कहने का, लड़ने का और अड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार। उन्हें किसी सरकारी जश्न के कार्यक्रमों में लाखों करोड़ रुपया खर्च करके मना देने से संविधान की अहमियत नहीं बढ़ेगी। संविधान के उसूलों, जिंदा दस्तावेज को गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने से ये मुल्क तरक्की करेगा। कहां है वो करार जिसमें ये वादा किया गया था कि हम सबको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी देंगे, समानता व न्याय? 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सरकार से लेकर पेट भरे और चंद अरबपतियों को पूरा देश बेच दिया जाए? 75 साल संविधान के यहां पहुंचे, इस देश में नौकरी बेरोजगारों को मिले ना, शिक्षा बेची जा रही। जब देश गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा देता था, जब देश अमीर होने लगा, 5 trillion इकोनॉमी बनाने लगा, तो वो देश शिक्षा देने का भी पैसा नहीं जुटा पा रहा और प्राइवेट हाथों में शिक्षा दे दिया और महंगी कर। ये सवाल संविधान का सवाल, ये सवाल संविधान का सवाल है कि जेलों में कौन है, मुकदमे किसके ऊपर हो रहे हैं, बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है, न्यायपालिकाएं कहां खड़ी है? और ये सवाल संविधान का सवाल है कि मजहब के नाम पर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजा जा रहा है आज? ये संविधान बनाने वाले लोगों के ख्वाब का हिंदुस्तान तो नहीं है? सोचिएगा आप भी, विचार करिएगा आप भी। मुबारकबाद आपको संविधान दिवस की, लेकिन ये सवाल जरूरी हैं जो अपने आप से और अपने वक्त से पूछे जाने चाहिए। शुक्रिया।